अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट अचार। ये अचार जो है जल्दी बन जाता है और आप इसको स्ट्रेट अवे सर्व कर सकते हैं, ना कि आपको वेट करना पड़ेगा हफ्ता महीना जिस तरह भी इसका प्रोसेस होता है। तो ये जल्दी बन जाने वाला अचार है। इसके लिए जो चीज़ें मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ वो है गाजर, यानी कि कैरेट्स। आपने इसको छील लेना है और जो है आप इसको इसी तरह छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। इस तरह आपको अदरक का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह आपने थोड़ा सा मोटा या बारीक आपकी अपनी चॉइस पर है। जूलियन ये हो गया। लहसुन यानी कि फ्रेश गार्लिक जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। बीच में से आप इसके दो दो पीसेस कर लें। हरी मिर्चें बीच में जा रही हैं, दैट्स ग्रीन चिलीज। बीच में से इसके मैंने दो दो पीसेस कर लिए हैं। और जो अचार बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको चाहिए इसके लिए सॉल्ट यानी कि नमक हो गया, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर, कलौंजी जो होती है इसे कहा जाता है नाइजेला सीड्स, तो ये वो होगी। अगर आप कलौंजी की जगह आप चाहें तो आप अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सेलरी के जो सीड्स होते हैं। ज़ीरा हो गया यानी कि क्यूमिन सीड्स, सौंफ हो गया फेनल सीड्स, हल्दी है ये टर्मरिक, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर, आप कुटी हुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल प्योर इस्तेमाल करूँगी मैं, अगर आप चाहें तो आप बेशक इसको सादे तेल में बना सकते हैं लेकिन जायका अचार का जो है इसी के साथ आता है। और फिर बीच में आप डालेंगे मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाना, आप पीला वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं काला इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। और बीच में जाएगा इसमें फेनिग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना, सिरका यानी कि विनेगर हो गया, एस्फेटिडा यानी कि हींग बीच में जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हो गई अचार बनाने के लिए। सब्जियाँ आपके सामने हैं तो आपको दिखाते हैं इसको अपने बनाना किस तरह। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो सब्जियां हैं आप एक हांडी में से डाल दीजिएगा तमाम चीज़ों को, और इस पर आप डालेंगे नमक, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद आप इसको छोड़ दीजिएगा 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद आपको जो है इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब तक ये सब्जियाँ हमने रेस्ट कर रही है नमक के अंदर में, आपने क्या करना है जो मसाले हैं उसके वो ग्राइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप बीच में ज़ीरा डालेंगे और थोड़ा सा बिल्कुल आप छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है बीच में साबुत साबुत मसाले भी नज़र आते हैं चार में, तो ये कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम एक साइड पर कर लेते हैं। इसी तरह ज़ीरा डालने के बाद फेनिग्रिक सीड्स जा रहे हैं, इसको भी थोड़ा साइड पर कर लिया, सौंफ जाएगी बीच में थोड़ी सी साइड पर, कलहुंजी और थोड़ी सी साइड पर, राई दाना और थोड़ी सी साइड पर। अब इसे अच्छी तरह पीस लेते हैं ताकि हमारा मसाला यहाँ पर तैयार हो जाए। तो देख लें परफेक्टली हमने मसाला इसका दरदरा सा पीस लिया। अब आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब आप क्या करेंगे कि जो सब्जी है इसे आप जिस हांडी में था उसमें इसने काफ़ी पानी छोड़ा था, क्योंकि जिस तरह के नमक लगाने से सब्ज़ी पानी छोड़ती है, तो अब आप क्या करेंगे इसे कवर करेंगे। और कवर कर लेने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर जो है 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ दम देना, यानी कि हम इसको स्टीम कर रहे हैं, पका नहीं रहे हैं। और बीच बीच में आप प्लीज़ खोल करके इसके अंदर चमचा ज़रूर चलाइएगा ताकि ये कि नीचे ये जल्दी पकने ना शुरू हो जाए सब्ज़ी। तो 4 to 5 मिनट्स इसको ज़रा स्टीम देते हैं मीडियम फ्लेम पर और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपको एक बोल चाहिए और एक सिल्क की ज़रूरत है, और आपने इसे जो है 5 मिनट आपने स्टीम दिया, और अब आप इसमें से जो है एक्स्ट्रा पानी रिमूव करेंगे। तो ये बीच में डाल करके यहाँ पर छोड़ दें ताकि ये जो है इसका जितना एक्स्ट्रा पानी पहले रिमूव हो जाए और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें, इसको मैंने इसमें रखा था ताकि एक्स्ट्रा लिक्विड जो भी है वो ड्रेन आउट हो जाए, तो वो हो चुका। अब आपने क्या करना है, इसे आप किसी भी साफ कपड़े पर बिछाएंगे और इसको आपने छोड़ देना है फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स, कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है तो आपके लिए तो फिर और भी ज़्यादा आसानी है, आप इसको इसी के से फैला करके धूप में रख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, सिर्फ इतना करने के लिए कि इसके ऊपर जो पानी है और लिक्विड ये तमाम इसके ऊपर से हट जाए और ये ड्राई ड्राई हो जाए, उसके बाद जो है
हम इसका अचार की बाकी की तैयारी करते हैं। उसको ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई हो जाने दें। तो देख लें परफेक्टली ये दो ढाई घंटे में सूख जाता है। आप इसे पंखे के नीचे रख सकते हैं, बाहर धूप है उसमें रख लें, जिस तरह भी आपने करना, सिवे कि इसको अच्छे से जो है आपने ये देख लें इस पर कोई ये पानी नहीं है। तो यही मेन चीज़ें जो आपने ख्याल रखनी है। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको एंड में भी बताऊंगी और प्लस आपको रिटर्न रेसिपी में भी दे देती होती हूँ। तो ये है कि ये यहाँ पर ड्राई हो गया, इसे डाल लेते हैं एक बोल में। अब आप लेंगे एक पैन और उसमें ऐड करेंगे जो कि सरसों का तेल है, और आपने इसको हाई फ्लेम पे इतना गर्म करना है कि आप देखेंगे कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। तो वो आपको इसमें करना है, तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए आपने इसको इतना जो है गर्म करना है तेल को कि आप इसमें से देख रहे हैं कि धुआं सा निकल रहा है। अब यहाँ पर आप चूल्हा बंद करेंगे और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देते हैं। आपने तेल को ज़्यादा ठंडा नहीं करना, सिर्फ आप इसको चूल्हे से उतारेंगे और एक से दो मिनट देंगे यूं पैन को हिलाते हुए, और आपने इसको सिर्फ इतना ही ठंडा करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लाकर के आप ऐड करेंगे जो कि हींग है, और ये पिसा हुआ हमारा मसाला चला गया, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, और जो हमारे साबुत मसाले थे जो हमने थोड़े थोड़े बचा लिए थे, इसमें ये चमचा आप अच्छे से हिला लीजिएगा पहले। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारा गरम तेल है मसालों के साथ, ये आप तमाम इसके ऊपर डालेंगे, और यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह तमाम चीज़ों को यहाँ पर इसके साथ मिक्स करना है। अच्छी तरह आपने इसको इसमें मिक्स करना ताकि मसाला तमाम सब्जियों पर लग जाए। और मैंने एक चीज़ टेस्ट किया था, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है, तो मैं इसमें नमक थोड़ा और ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, हर वो बर्तन, हर वो यूटेंसिल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये अचार बनाने के लिए, अगर वो गंदा हुआ, गंदे से मुराद ये कि साफ़ नहीं है, आपने सही नहीं धुला था, या गंदे आपके हाथ गंदे हुए, तो ये जो है अचार ये स्ट्रेट अवे ख़राब हो जाएगा। आप देखेंगे कि एक दो दिन बाद इसके ऊपर जाला सा बन जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं कि जब अचार जैसी चीज़ें बनती हैं तो आपको हर चीज़ बहुत साफ, स्पिक एंड स्पैम चाहिए होती, कम्प्लीटली क्लीन, कि उस पर कहीं पर भी कोई गीलापन, गंदे हाथ ऐसा नहीं लगते, ठीक है। तो इसके लिए आप बार बार हाथ धोने पड़ते हैं आपको ये ऐसी चीज़ें बनाने के लिए। अब आपने क्या करना है, आप इस पर डालेंगे सिरका, और अब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको अच्छी तरह इन चीज़ों को मसलना, एक एक पीस को उठा करके, वो इसलिए ताकि जो सिरका है वो हर एक हर सब्जी के पीस पे लग जाना चाहिए। उससे ये है कि अब आप इसको आराम से प्रिजर्व कर सकेंगे, ठंडा हो जाएगा, इसको क्लीन एयर टाइट बॉक्स या जार में रखें, और आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 6 से 7 माह के लिए। तो इसलिए सिरके का बहुत इस्तेमाल इसमें ज़रूरी है। तो आप ही उस हाथ से उठा उठा के हर सब्ज़ी को इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स करें और रब करें, और फिर जो है इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आप इसे साफ स्टेरलाइज्ड बॉक्स या जार में डालकर फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है, ये आराम से 6 से 7 माह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ चीज़ों का जो आपने ख्याल रखना है कि हर चीज़ आपकी साफ़ होनी चाहिए, यानी कि स्टेरलाइज्ड, वरना ये ख़राब जल्दी हो जाएगा। तो कम्प्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर whichiscookwithfaiza.net पर, और YouTube पर भी आप लोगों के लिए रिटर्न रेसिपी छोड़ दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं, ताकि आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाए।